मेरे भारत की सभी स्कूल के विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, स्वस्थ बाल स्वस्थ भारत। दोस्तों, मनोरंजन आपने सभी किए होंगे और आपने सभी देखे भी होंगे। यहां हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आपने टीवी पे बहुत सी कार्टून फिल्में देखी होगी, ऐसा ही एक प्रयास हमने स्टेज पे किया है। एक व्यवसाय के रूप में हम जरूर मिल रहे हैं आपसे, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते भारत के हर परिवार में एक नई सोच, नई ज्योत जले और हर परिवार के बच्चे पढ़े लिखे अच्छी नई सोच के साथ अखंड भारत, अतुल्य भारत, अतिथि देवो भव की भावनाओं के साथ एक भाईचारा बना रहे, ये बात आप तक पहुंचाने का इस माध्यम के जरिए छोटा सा प्रयास किया है। एक राष्ट्र भावना हम सबके दिल में सदा के लिए बनी रहे, एक उम्दा राष्ट्र के निर्माण में हम हाथ से हाथ मिलाए, ज्योत से ज्योत जलाए, ऊर्जा बचाए, जल बचाए, वृक्ष का जतन करे, आतंक को भगाए, बिना डर और खौफ के साथ हम सब मधुर पल भारत माता की गोद में बिताए, भ्रष्टाचार के राक्षस को हम भगाए, जीत करे, नए भारत का निर्माण करे, प्रदूषण को भगाए, हरियाला भारत बनाए, ट्रैफिक नियम का पालन करे, माँ बाप को सम्मान दे, बेटियों को बहुमान दे, ये आप सबके हाथों में है। इस अखंड भारत के आप भाग्य विधाता हैं। आप भारत माता के मोहन हैं, लाल हैं और बेटियां सब राधा हैं। जहां पर भगवान ने जन्म लिया है, जहां पर वीर योद्धाओं वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जहां पर हमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वीर भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीरांगना झांसी की रानी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, जिन्होंने अपने रक्त बहाए हैं, वीरांगना झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस और पूरे विश्व में भारत का भगवा लहराया वो स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे कहीं नामी अनामी राष्ट्र पुरुषों ने भारतीय अखंडता बनी रहे इसलिए अपने प्राण दिए हैं। वो भारत की अखंडता बनी रहे ये जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। कौन है जो अपनी माँ के गुणगान नहीं गाता? नहीं गाता, उसे हम निकम्मा कहते।